हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नासर इलेक्ट्रिक टीच में। तो आज आपके पास एम्पलीफायर लेके हैं, जो आप देख सकते हैं। ये एम्पलीफायर जो है कार में या स्कॉर्पियो में लगाया रहता है। दोस्तों, इसकी जो आईसी है ये 7388 है, जो हमने बाहर निकाल लिया है पहले से ही। तो इसमें जो है हम इसमें जो है 4440 जो आईसी है वो लगाएंगे। 4440 की जो बोर्ड होती है वो वाला लगाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें किस तरह से लगाते हैं। दोस्तों, ये जो आईसी है मार्केट में मिल जाता है, और मिलता है पर महंगा मिलता है। किस तरह से इसे हम लगाते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये आईसी हम साइड रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है बोर्ड, इसकी जो 4440 की जो बोर्ड है वो काट रखी है। तो इसमें है जो है हमें सेट करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से सेट करना है। और दोस्तों, ये जो एम्पलीफायर ये लोकल में नहीं ठीक होता, या तो केयर में ठीक होता है या तो नहीं होता है। तो जैसे कि इसकी जो कंपोनेंट्स है ये SMD में होता है, तो ये कम ही चांस होता है जो मैकेनिक जो है ठीक कर पाएगा। तो हम जो है इसमें जो 4440 वाला जो बोर्ड है ये हम लगाएंगे, और ये अच्छा काम करेगा, जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। अगर बाई चांस अगर जैसे कि ऐसी अगर ख़राब भी हो जाए तो ये आप आसानी से बदल सकते हैं, और इसे लगा भी आसानी से सकते हैं। तो चलिए हम किसी तरह से लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें ऑडियो इन का जो कनेक्शन है वो कर लेना है। तो चलिए हम ऑडियो इन का जो कनेक्शन है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑडियो इन का एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, यहाँ पर जो है हमें ध्यान देकर जोड़ना है। ये ऑडियो इन का जो कनेक्शन है वो देखकर जोड़ना है कि कौन सा हमारा ऑडियो इन है। तो आपको अगर मालूम होगा तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो आप देख लें जो ऑडियो इन कौन सा है। और उसके बाद जो है ग्राउंड भी हमें जोड़ लेना है। जो ऑडियो इन की जो कनेक्शन है वो हो गई है। और उसके बाद चलिए हम यहाँ पे जो है ये वायर जो है इतना बड़ा काट लेते हैं। तो दोस्तों, इसे ऑपरेट करने के लिए 12 वोल्ट लगता है। तो चलिए हम 12 वोल्ट का कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारा माइनस आ जाएगा, और उसके बाद एक प्लस वायर जोड़ लेते हैं। दोस्तों, हमें जो है प्लस जो है किट में देख लेना है कहाँ पे प्लस होगा। तो इसकी जो पहले वाली जो किट होगी उसमें आपको ध्यान देना है जो हमारा जो प्लस पॉइंट कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लस पॉइंट है ये वाला है। तो यहाँ पे जो है हमने बीच से काटा है, तो ये वाला जो है माइनस है। और इसके बाद जो एक बीच में प्रिंट खींचा हुआ था ये है, तो ये जो है प्रिंट हमारा जो जम्पर मार के यहाँ पे आईसी पे लगाया हुआ था, जो आप देख सकते हैं ये जो जम्पर है ये वाला। तो हमने यहाँ पर दोनों आईसी का जो वायर है 12 वोल्ट के लिए वो हमने एक कर लिया है। तो यहाँ पे हम जो है 12 वोल्ट का जो है एक ही आईसी पे देंगे, तो दोनों आईसी पे जो है 12 वोल्ट चला जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। और दोस्तों, हम यहाँ और दोस्तों यहाँ पे जो है हमें एक कैपेसिटर भी लगा देना है, ताकि जो हमारी जो वोल्टेज है वो जो है फिल्टर में रहे, और जो है इसमें जो कोई नॉइज ना आए, हैमिंग ना आए। तो चलिए दोस्तों, ये जो है कनेक्शन जो है 12 वोल्ट की हो गई है। उसके दोस्तों स्पीकर का भी वायर जो है जोड़ लेना है। तो चलिए हम स्पीकर का भी वायर जोड़ लेते हैं, जो हमारा ऑडियो जो आउट करते हैं वो कनेक्शन भी हमें कर लेना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो है आउटपुट वायर भी जोड़ लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों इसमें जो है कनेक्शन करना है, तो किस तरह से करना है चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है सभी जो कनेक्शन है यहाँ पर हमें देख के जोड़ना है। तो सबसे पहले जो है हमें लाइन की जो वायर है वो हमें जोड़ लेना है, जो इसमें जो 12 वोल्ट हमारा जो डीसी वायर जो जुड़ेगा। तो जो ग्राउंड वाला वायर है वो हमें बॉडी में कहीं भी ग्राउंड दे देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा जो ग्राउंड है ये सभी एक है, तो यहाँ पे हमने ग्राउंड दे दिया। जो है हमें भी प्लस जो लिखा है उस पर हमें जोड़ लेना है प्लस वाला वायर। यहाँ पे एक बैरियर लगा के उसके बाद जो है ये आईसी की ओर जाता है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो है हमें ऑडियो इन का जो कनेक्शन है वो हमें करना है। तो ग्राउंड वाला जो है वायर हमें बीच में जोड़ लेना है। उसके बाद जो है दोनों साइड की जो हमारी ऑडियो है वो हमारी जो है FL में आ जाएगी और FR में आ जाएगी। फ्रंट लेफ्ट है और फ्रंट राइट है, तो चलिए हम दोनों में जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, अब जो है ये कनेक्शन हो गया है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है इसमें लाइन देकर उसके बाद इसे हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें एक वायर जोड़ लेना है चेक करने के लिए। तो दोस्तों, हमने यहाँ जो है एम्पलीफायर में लाइन दे दिया है बैटरी से। तो
चलिए हम इसमें हम एसडी कार्ड लगा के उसके बाद इसे चेक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस लगा के दोनों आईसी का जो ऑडियो इन है एक कर लिया। ये जो फ्रंट राइट वाला जो था ये जो है ऑडियो इन सही से नहीं दे रहा था, हमने दोनों ऑडियो का जो कनेक्शन है फ्रंट लेफ्ट पे कर लिया है और यहाँ पे जो है 10K का रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो ये जो है आवाज़ भी कुछ ज़्यादा निकाल रहा था तो हमने यहाँ पर 10K का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो चलिए अब इसे हम चेक करते हैं। दोस्तों हमने आपको चेक करके दिखा दिया, इसमें जो है हम सिर्फ जो है किट काट के इसके जो फंक्शन है इसी से हमने कर दिया है। तो इसमें जो है रिमोट से बेस्ट ट्रेवल कम ज़्यादा हो जाएगा। तो और दोस्तों ये अगर सिस्टम करते हैं तो ये अच्छा चलेगा, इसकी आउटपुट भी अच्छी होगी और ये जो है जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। और दोस्तों ये जो आईसी है आप अगर लगाएंगे तो मार्केट में काफ़ी महंगा मिलेगा और अगर आपके मार्केट में सस्ता में मिल रहा है तो लगाएं, अच्छा काम करेगा, जल्दी ख़राब नहीं होता है ऐसी। तो आशा करता हूँ आपके ये वीडियो अच्छी लगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।